चलिए नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप इज द आर्ट ऑफ मीन्स आंसर राइटिंग. इसमें मैं पॉइंटर्स ही बताऊंगा, आई थिंक इसमें ज्यादा डिटेल आपको पता ही, जस्ट एक रिमाइंडर्स है ना. देखो फर्स्ट थिंग इज दैट देयर इज नो चॉइस इन द योर पेपर, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल पेपर, है ना. व्हेनेवर वी टॉक ऑफ मेंस आंसर राइटिंग इन द फाइनल एग्जाम, यू शुड डेवलप अ कैपेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन. कैपेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन दैट विच क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू फर्स्ट, विच क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू लास्ट. May sound strange to you, but this is going to make an impact of at least 10 to 15 marks. Just one thing. क्या आपको art of selection है? ये नहीं तो, ये तो नहीं है कि आप start किया paper, फटाक से पहला question उठाया. Time कभी भी पूरा नहीं होता. Ultimately, you have to हरी थ्रू टू थ्री क्वेश्चन की हाँ कर दो बस कर दो कर दो कर दो. एक्चुअल अटेम्प्ट 15-16-17 का ही होता है, जो झंका अटेम्प्ट होता है. तो आप में आर्ट ऑफ सिलेक्शन है या नहीं है, राइट फ्रॉम द डे वन यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट फ्रॉम योर विदन. जो हम बताएंगे आपको एक कुछ पैरामीटर्स इसके लिए ड्रॉ कि सिलेक्शन करनी कैसी है, क्या ठीक रहता है, जिसको आप टेस्ट में फिर प्रैक्टिस करोगे कि हाँ यार मेरी सिलेक्शन हो रही है नहीं हो रही. 10 में से 9 बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते. लेकिन अगर हमने अपने टाइम में 360-370 नंबर लिए जीएस में, उस वक्त भी पहले से पता होता था कि यार ये मेरा क्रिटेरिया सिलेक्शन, पेपर देखना है कौन सा क्वेश्चन पहले स्टार्ट करना है, पता है कि यार ये ही स्टार्ट करना है, तभी नंबर आते हैं. अभी भी देखता हूँ जिस जीएस में जिनके नंबर आते हैं, दे आर क्लियर इन देयर हेड कि भैया मेरा सिलेक्शन क्रिटेरिया ये है कि पहला क्वेश्चन मुझे किस तरह का पूछा है और लास्ट क्वेश्चन मैंने किस तरह करना है. मुझे आता है नहीं आता है, इट्स वेरी सिंपल थिंग. ये क्रिटेरिया नहीं है कि जो आता है वो पहले कर दो, जो नहीं आता वो बाद में कर दो. नो, बात तो यही है. ये तो कोई भी बता देगा, जो आता है आपको आते तो 16 क्वेश्चन होंगे, इनमें से पहला कौन सा कर दो. पहाड़ ये है. तो वन क्रिटेरिया यू टू ओरिएंटेड सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन. नंबर टू, क्वेश्चन आपने सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, व्हाट इट डिमांड्स. Understanding the question what it demands. Invariably, सोच के देखो, ये मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं आपको अगर अभी 5 क्वेश्चन देता हूँ ना, यार सुनना ये डिफाइनिंग बात है, मैं 5 क्वेश्चन आज आपको दे दूँ जिसमें से 3 मुझे पता है आपको आते हैं, 2 नहीं आते. Invariably आप, और मैं आपको कहूँ 30 मिनट में करना है, Invariably आप पता क्या करोगे, कोशिश ये करोगे कि जो 3 क्वेश्चन आते हैं ना भाई 15-10 मिनट में निपटा दो, जो 2 नहीं आते उसमें 20 मिनट लगा देना. ठीक है, 15 मिनट में 3 क्वेश्चन कर रहे हैं और 15 मिनट में 2 क्वेश्चन पे टाइम लगा रहे हैं. ये इनवेरिएबली जाके वहाँ पे मेंस में हो जाता है अगर पहले से डिसाइडेड ना हो, जबकि होना क्या चाहिए. टाइम कहाँ लगना है, जो आते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक नंबर ज़्यादा लेना बड़ा आसान है. जो नहीं आते उसको आप चाहे 2 मिनट में लिखो चाहे 4 मिनट में लिखो, वो वही रहनी हालत. एक बात है, मैंने तो जस्ट एक छोटा सा क्ल्यू दिया कि आप टेस्ट में अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, टेस्ट उसमें क्या चेक कर रहे हो आप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना सिलेक्शन चेक कर रहे हो, फिर बाद में लेटर ऑन जाके चेक कर रहे हो कि वेदर अगर मैंने ये पहले किए होते या इस पर ज़्यादा टाइम लगाया होता, नंबरों में फर्क पड़ता कोई. अगर आपने सपने में भी सोचना है कि इतने नंबर तक पहुंच पाओगे, और कोई रास्ता नहीं है कि रोज हर टेस्ट देने के बाद देन यू थिंक कि यार वुड हैव बीन इट हैड मेक सम डिफरेंस कि अगर मैंने ये पहले कर लिया होता या इस पे ज्यादा टाइम लगाया होता. ऐसे कर करके ही 10 नंबर 15 नंबर हर पेपर में इकट्ठे करने हैं हमने. सेकंड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली एंड यू विल नॉट प्रोसीड राइटिंग विदाउट मेकिंग अ स्ट्रक्चर इन रफ. ये नहीं है क्वेश्चन पढ़ा, जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं भी अगर लिखूंगा मैं
मैं बिना स्ट्रक्चर के आंसर लिख सकता हूँ, ठीक कह रहा हूँ सर? मैं भी नहीं लिख सकता, चाहे मेरा दिमाग स्ट्रक्चर में, दिमाग में स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन मेरे में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो यूपीएससी का क्वेश्चन है, मैं जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाता मैं लिखूँ, नंबर लेने मैंने उससे, क्योंकि कंपाउंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आर आइदर सिंपल और कंपाउंड, विच क्वेश्चन विल मेक डिफरेंस इन योर सिलेक्शन, कंपाउंड। अब कंपाउंड क्वेश्चन में क्या होता है, चार पार्ट है, लिखते हुए याद नहीं रहता, भूल गए, आता था लेकिन फ्लो में लिखते चले गए और भूल गए कि यार ये पार्ट तो है क्या बीच में से, तो यू हैव टू बी, यू हैव टू प्रैक्टिस टू मेक स्ट्रक्चर्स एंड यू हैव टू कंटिन्यूअसली रिड्यूस द स्ट्रक्चर मेकिंग टाइम। अगर अभी आपके 3 मिनट लग रहा है स्ट्रक्चर बनने में, तो मेरे हिसाब से द स्ट्रक्चर शुड नॉट टेक 30 to 40 seconds। अगर आपने यहां पहुंच लिया, मैक्सिमम 45 सेकंड लगा लो बस, कि 45 सेकंड के अंदर आपका स्ट्रक्चर बनने की पोजीशन में आ जाए, टेस्ट में क्या प्रैक्टिस करोगे कि स्ट्रक्चर मेरा कितने टाइम में बन रहा है, मैं इसका भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा डिफाइन मेंटल क्लू, मैं इस क्वेश्चन का भी स्ट्रक्चर बना के बिना चलूंगा नहीं, एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन टेक्टोनिक्स, मैं फटाफट स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि अच्छा डेफिनेशन में मैंने ये एक्सप्लेन डिफाइन करने के लिए, अच्छा डिफाइन मैं ऐसे करूंगा, फिर डायग्राम कौन सा इसमें बनाऊंगा, एक ही डायग्राम भूल जाता है, फ्लो में लिख रहे हैं, लिख ये क्वेश्चन रहे हैं है ना, हॉर्न पहले क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार चार तो आते नहीं थे, पांचवा हाथ लगाए बर्बाद हो गए, लिख रहे हैं मेंटल फिल्म का क्वेश्चन और दिमाग में घूम रहे हैं पहले चार, क्योंकि पहले चारों के चारों नहीं आते, या पता ही नहीं है, कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि यार आते भी है नहीं आते, तो पता ही नहीं हमारे साथ क्या हो गया। तो मैं स्ट्रक्चर बनाया तो मैं ट्रैक पे रहूंगा, मुझे पता है मैंने ये डायग्राम बनाना है और ये चार चीजें लिखनी है, मैं उसको देखता रहूंगा अपने सामने लिखता रहूंगा स्ट्रक्चर, तो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन आती। नेक्स्ट थर्ड, नाउ व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, इसमें क्या है अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, कि आपको कितने पार्ट हैं क्वेश्चन के वो आइडेंटिफाई करना, दिस थिंग विल गो अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव्स। Understanding the meaning of directives. कि directives का मतलब क्या है? Discuss, explain, explore, assess, evaluate. इन directives का मतलब क्या है? And how these directives result into parts of the question? आप आधा घंटा ले लो ना, 30 minutes. पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्लियर होगी बात कि मेरे ये क्वेश्चन का मतलब ये, इसके इतने पार्ट बनते हैं, क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अब क्वेश्चन लिख रहे हो आपको पार्ट पता लग गए, आपको क्वेश्चन समझ आ गया, सबसे मुश्किल स्टेप तो यही है, थर्ड आता है आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर, आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर बाई यूजिंग पैराग्राफ्स, पॉइंट्स, हेडिंग्स, डायग्राम्स, मतलब योर आंसर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ एंड पॉइंट्स वेयर एवर रिक्वायर्ड, कुछ डायग्राम छोटा मोटा बन जाए और बीच में हेडिंग्स मस्ट कम, छोटे छोटे हेडिंग्स आने चाहिए, लगे कि जो एग्जामिनर का इंटरेस्ट है आपके पेपर में, दैट शुड बी मेंटेन्ड। मोनोलिथिक से आंसर 200 वर्ड के ऐसे टाइप के बना के आओगे तो आप यू विल, तो कोई वहां पे गलत नहीं करेगा, बट डेफिनेटली यू विल हैव अ टेंडेंसी टू लूज सम मार्क्स। क्या आपका आंसर, मैं छोटा सा एक बड़ा फुलिश सा क्राइटेरिया देता हूं, क्या आंसर आपका आंसर देखने में सुंदर लग रहा है? देखो कोई चीज देखने में सुंदर होती है जरूरी है कि अंदर से भी हो, पानी बात करें, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन हमारे पेपर के अंदर जब एग्जामिनर चेक करने के लिए आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा है देखना, तो देखने में भी सुंदर होना चाहिए और अंदर से लिखने में भी सुंदर होना चाहिए।
लिखाई सुंदर नहीं, मतलब आपकी कंटेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन देखने में आंसर आपका अपीलिंग नहीं है तो डेफिनेटली यू विल लूज समथिंग। तो देखने में उसका स्ट्रक्चर कैसे अच्छा आता है कि ठीक है आपने छोटी सी इंट्रोडक्शन लिखी है, फिर हेडिंग लिखा है, कुछ बीच में पॉइंट्स आ गए अगर रिक्वायर्ड है तो, और फिर हेडिंग्स बीच में आ रहे हैं, बीच में छोटा सा डायग्राम सा बन गया, इट इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ द आंसर एंड एक और एग्जामिनर को पढ़ने में मदद भी मिलती है, उसको पता होता है जो उसने देखना होता है फटाक से देख लो। आप अखबार में आर्टिकल देख लो, एक आर्टिकल है देयर इज नो हेडिंग सब हेडिंग्स, और एक आर्टिकल है जिसमें हेडिंग सब हेडिंग है, कौन सा पढ़ना आसान है? So to learn the art of introducing headings and subheadings, making small diagrams and presenting your answer in a very good way. Presentation is very important. It not very important. Presentation makes a difference. Because you just had a chance to read it. Then next, you must clearly know the value addition points in your answer. अब डिफाइन मेंटल प्यूम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेक्टेक्टोनिक्स, बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसमें वैल्यूडेशन क्या होनी है? वैल्यूडेशन का मतलब है कि समथिंग एक्स्ट्रा जो आप डाल रहे हो जो शायद एग्जामिनर को सिर्फ आपके पेपर में दिखाई दे, मेंटल प्यूम का क्या सिग्निफिकेंस है प्लेक्टेक्टोनिक्स में? आप कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, You can bring all these elements when specifically talks of we talk of big talks. So, क्या इसमें variation डाल सकते हैं? सोचो, कोई इसमें पढ़ाई नहीं है? Some recent example like Iceland में होता है. Exact, bullseye. Latest कोई earthquake, latest कोई volcanic eruption, उसका डालो कि recently ये हुआ था. Shape तो वैसे ही. तो वाल्कनिक जो भी वाल्कनिक करप्शन होगी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी होना पड़ता है, बट आपको उस टाइम कॉन्शियस, यू शुड बी कॉन्शियस कि मैंने क्या डाला इसमें, क्या एक को एग्जांपल डाला, डायग्राम तो ऑफकोर्स बनाना ही है, इसमें बिना डायग्राम के तो कुछ नहीं, ये आंसर नहीं होता है ना, अगर आपको मेंटल प्लूम दिखाना है विज प्लेटेक्टोनिक्स तो विदाउट दो तीन डायग्राम बने ये आंसर नहीं बनता, डोंट एक्सपेक्ट एनी मार्क्स विदाउट अ डायग्राम इन दिस क्वेश्चन, मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं है कि आपके नंबर आएंगे बिना डायग्राम के इस क्वेश्चन में, लेकिन डायग्राम के परे कह रहा हूं मैं सम एग्जांपल, ऐसे ही हर सेक्शन ऑफ जनरल स्टडीज के लिए कुछ वैल्यू एडिशन एलिमेंट्स होते हैं है ना, जिसके हमने लिस्ट लिस्ट बहुत सारी बना रखी है कि जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो कोई स्टेटमेंट डाल दो, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स हमने बनाई हुई है पॉलिटी की, इकोनॉमी की, अगर पॉवर्टी पे क्वेश्चन आ गया तो एक स्टेटमेंट होगा आपको, जैसे वो ऐसे में भी काम आ जाएगी, कहीं जीएस में भी काम आ जाएगी, आपको डाटा है, रिपोर्ट्स हैं, हिस्ट्री में डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट डाल दी, किसी बंदे का नाम डाल दिया है ना, तो इस तरह से यू हैव टू अक्यूमुलेट स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच यू विल यूज एज वैल्यू एडिशन इन योर आंसर्स फॉर ईच सेक्शन ऑफ द रिजल्ट्स, दिस शुड बी डन बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, ठीक है? मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ छोटी सी, एक लिखो जी, हिस्ट्री के अंदर अगर आपने वैल्यूएशन करनी है तो डेट्स और स्टेटमेंट्स दो चीजें चलती हैं, सेकंडली इफ यू टॉक ऑफ सोशल इश्यूज करंट अफेयर्स, करंट का कोई एग्जांपल डालो बस, या कोई रिपोर्ट आई है वो डालो, कोई डाटा डाल दिया, डाटा रिपोर्ट एंड देन ज्योग्राफी अगर आ गया, ज्योग्राफी की जान है डायग्राम्स मैप्स, जो ज्योग्राफी का टीचर चेक करेगा आपका पेपर ही विल बी वेरी डिलाइटेड इफ यू पुट सम डायग्राम्स इन पेपर, डायग्राम्स प्लस जो इजी पाथ है कि कोई ऐसे रिसेंट एग्जांपल, ज्योग्राफी में डल जाते हैं रिसेंट एग्जांपल, हर क्वेश्चन में डल सकते हैं, ठीक। कम टू पॉलिटी, पॉलिटी के अंदर आर्टिकल्स,
statements and recent happenings, judgments, recent happenings में आ गया वो. Governance में reports, data, report and data. IR के अंदर diagram, recent results. क्वेश्चन पूछा, कोई भी पूछा, जैसे यही उसमें अगर आप कुछ डाल पाए कि हाँ प्रेसिडेंट विजिटेड दिस, थोड़ा डाटा डाल पाए इस तरह की विजिट्स हुई है ना. और इट इज़ से अगर बाई इलेक्ट्रल रिलेशन आ जाता है, इट इज़ टू मच टू एक्सपेक्ट कि आप दोनों कंट्रीज का डाटा होगा आपके पास, कितना ट्रेड है फलाना ढिमाका, इतना नहीं हो पाता है. चीज़ें वो करनी है तो संभाल पाओ आप. डायग्राम जरूर संभाल सकते हो आप, छोटा मोटा इंडो पाकिस्तान का आगे डायग्राम नहीं बना सकते क्या? जो कैजुअली बन जाए डायग्राम, तो ज़्यादा इसमें पढ़ाई की जरूरत ना हो. अगर आईआर के अंदर स्टेटमेंट आपको आती है कि ट्रंप ने कोई स्टेटमेंट दिया, मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कोई, या कोई यूएन सेक्रेटरी जनरल ने स्टेटमेंट दी है, तो वो तो किसी तरह से बात ही कोई नहीं है. ऐसे 8-10 स्टेटमेंट से आप याद कर लो और कहीं तुक्के से लग जाए तो लाइव बन जाती है, लाइव बन जाती है. ठीक है, आगे आ गया आपका इकोनॉमी. इकोनॉमी का डाटा, डाटा ग्राफ, कुछ 8-10 ग्राफ बना के रख लो पावर्टी का, कहीं ना कहीं चिपका सकते हो, कहीं ऐसे में चिपक जाएगा कोई डाटा, कहीं ऐसे 30-35-40 डाटा पॉइंट्स आपके पास हैं जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो. डाटा एंड ग्राफ्स दैट दे आर हैंडी. एनवायरनमेंट के अंदर रिपोर्ट्स एंड डाटा आर इम्पॉर्टेंट. रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट चलती सारी रिपोर्ट से है कि फलानी रिपोर्ट आई है, फलानी रिपोर्ट आई है, वो हुआ जी, वो हुआ. डिजास्टर मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स, वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन आता है. कुछ ना कुछ तो वर्ल्ड में हुआ ही होता है, कोई साइक्लोन हो गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फायर ट्रेजेडी हो गई है ना, फॉरेस्ट फायर्स आ गई जी, है जी, इसकी वजह से कुछ ना, बस कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा. और वो करंट का आपने अच्छे से देना है, मे बी उसका डायग्राम छोटा सा बना दो और भी अच्छा, कि ऑस्ट्रेलिया में जैसे ऑस्ट्रेलियन फायर्स पीछे हुआ है, मैसिव फायर्स है ना, तो थोड़ा सा होता है. अब आप कहोगे यार क्या करें, नहीं ऐसे ही होता है. ऑस्ट्रेलिया का डायग्राम बनाया छोटा सा, टक 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 स्टार मार दिए फायर्स, आपको हंस रहे ना, देखो. बट यूपीएससी में नंबर ना वैसे ही आते हैं, क्योंकि और तो कुछ पल्ले होता नहीं वहां पे. तो जो बंदा वहां पे, जो बच्चा वहां पे अपना खून रख गया और ऐसे छोटी छोटी बेवकूफियां कर गया, वही पार है. क्योंकि वहां बैठ के तो हवाइयां उड़ रही होती हैं, सोच के तो बहुत महल बना के गए होते हैं है? और वो वहां जाकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं महल के. लेकिन कुछ नहीं टुकड़े होता, वो मन में ही होता है. अल्टीमेटली तो सारे वैसे ही बैठे हैं, सबकी वो हालत है. और जो वहां पे कूल रख गया अपना वो सिकंदर, मुझे अभी भी याद है 98 का पेपर, जो हमने लास्ट पेपर मैंने अटेम्प्ट किया था, ज्योग्राफी का पेपर था, वो एक वाटरशेड था. आई हैड ज्योग्राफी ऑप्शन, मतलब पूरे का पूरा हॉल खाली बैठा था, आता ही कुछ नहीं था, वो बिल्कुल ही अलग. अभी पेपर देखोगे आपको लगेगा आसान, लेकिन उस वक्त देखा तो वाटरशेड पेपर की इसने बिल्कुल ही धज्जे उड़ा दिए. जो क्वेश्चन शॉर्ट नोट में करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन डाल दिए, डाटा आता नहीं, बिना डाटा के बिना ग्राफ के ज्योग्राफी बेकार, खाली बैठे हैं. बट वही बात है, जो उस वक्त कूल रख गए कि नहीं यार लिख के आना कुछ ना कुछ, इस सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है ना. आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर 425 कि हम 400 प्लस लेने हैं इस बार, तो 390 ले चुके थे कि अब 20 नंबर और बढ़ाने हैं, 315 आए, 100 नंबर कम हो गए एस्टिमेट से. लेकिन कितने ऐसे बच्चे थे 215 बैठे थे, क्योंकि हाथ पर फूल गए, छोड़ दिया, पसीने आ रहे हैं, बर्बाद हो गए. लेकिन जो कूल रख के वो 100 नंबर ले गया, इंटर कॉल आ गई. तो आपने वहां ये देखना है कि मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है यार, मुझे बस करना है पॉजिटिवली, तो ऐसा ही आता है पेपर. तो फिर तब निकलते हैं ऐसे ऐसे डायग्राम है ना. मैं दिखा दूंगा फायर जोन इन इंडिया, इंडिया में फायर कहाँ लगती ज्यादा,
पहाड़ों में, ज्यादा पहाड़ों में लगती है। पंजाब में तो फायर लगती है, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट ही नहीं तो फायर कहां से होनी है। राजस्थान में क्या फॉरेस्ट फायर लग जानी है, हरियाणा में कौन सी फॉरेस्ट फायर लग जानी है, फॉरेस्ट ज्यादा कहां है पहाड़ों पे, दिखा दो रेड फायर्स। एथिक्स में रियल लाइफ एग्जांपल्स, एग्जांपल्स दो, रिसेंट हैपनिंग्स के एग्जांपल दो, कोई भी एथिकल इश्यूज हुए हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी कोर्ट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है बैंकिंग के साथ, है ना, या ये जो ये सारे नीरव मोदी केस ये हुए हैं, इसका एथिकल डायमेंशन थोड़ा सा कहीं कहीं चिपका दिया कि फॉर एग्जांपल नीरव मोदी केस में ये एथिकल इशू था। ऐसे अगर आपने 8-10 एग्जांपल भी इकट्ठे कर दिए तो वो 2-4 क्वेश्चनों में कहीं कहीं लग जाएंगे, दैट विल हेल्प यू। तो हर क्वेश्चन, हर सेक्शन का वैल्यू एडिशन एलिमेंट आपके पास होना चाहिए कि हाँ मैंने इसके लिए ये 10 पेज बना के रखे हो। मेंस की तैयारी यही होती है और क्या होती है। अब ये नहीं है कि आप वही पुरानी चीजें घसीटते रहोगे बार बार, सब हो जाएगा यार, बट अल्टीमेटली अगर आपने यहाँ पहुंचना है तो अपनी एंजाइटीज पे यू हैव टू कंट्रोल योर एंजाइटीज एंड थिंक दैट कि कैसे मेरे 120 पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे आएंगे अगर मैं फोकस करूंगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन पे। इफ आई फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द सिलेक्शन एस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली समझूंगा, बस वैल्यूएशन इकट्ठा करूंगा। कॉन्टेंट तो ठीक है, वो तो करना ही है, लेकिन अगर ये नहीं करी तो मैं 120 नहीं पहुंच सकता, 110-120 नहीं पहुंच सकता किसी बात। हाँ कंटेंट के सहारे में चला तो 80-85-90 बस। तो जितना टाइम आप कंटेंट पे लगा रहे हो उसका कम से कम, मतलब अगर 6 घंटे जीएस में कंटेंट पे लगा रहे हो तो कम से कम 2 घंटे तो इस पे लगाओ ना, 30% टाइम तो लगाओ, क्योंकि तो इसने आपको 30+ नंबर दे रहे हैं, सबको 100 मार्क्स समझ लो इसके हैं, मैं रफ कह रहा हूँ 100 नंबर इस चीज के हैं। कंटेंट आपको 350 दे देगा, ठीक है दे दिया, लेकिन मेरे को 350 से काम नहीं बनता ना, तो 350 की जगह, क्योंकि कितने हमने तीन अटेम्प्ट वाले बच्चे मिलेंगे आपको, 4-4 अटेम्प्ट वाले बच्चे मिलेंगे। आप पूछोगे जीएस में कितने बोलेंगे वो, 340-360 चारों पेपर मिला के एक्सपेरिमेंट करके देख लो, कैच होल्ड ऑफ 5 पीपल हू आर इन देयर 3rd, 10th, 4th, 10th एंड आस्क देम कितने जीएस, उनसे ज्यादा तो जीएस तैयार नहीं कर सकते आप, एंड दे आर सीरियस स्टूडेंट्स। अगर चौथे अटेम्प्ट में आके बच्चे के 360 आ रहे हैं और वो सीरियस स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट है, तो क्या मतलब कि ओनली वो कंटेंट तैयार कर रहा है, ये 100 नंबर तो तैयार नहीं कर रहा, इज टू प्री ऑक्यूपाइड विद द कंटेंट। ठीक है जी, बात गॉट द पॉइंट। तो ये आपका, तो बहुत ज्यादा ऑब्सेस नहीं होना कंटेंट से कि मुझे नहीं आता पहले मैं पढ़ तो लूँ, सब बराबर है वहां पे। अब जो क्वेश्चन आया आपसे पिछली बार आया, जिसने पढ़ा है जिसने नहीं पढ़ा, सब बराबर है। जो सिक्योरिटी के क्वेश्चन आया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या कर लेना उसमें, उतना तो करंट अफेयर में पढ़ते रहते हैं हम। तो ये अंडर कॉन्फिडेंट किसी वजह से भी नहीं होना कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ, मैंने वो नहीं पढ़ा हुआ। टेक थिंग्स प्रैक्टिकली एंड फॉरगेट अबाउट प्री रिजल्ट, वो तो आ ही गया मेरा बस समझ लो, ठीक है जी। अब इसमें हम आपको क्या सर्विसेज दे रहे हैं वो लिख लो, जो हम एज अ अपॉर्चुनिटी आप हमारे को यूज कर सकते हो। जब अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ से अपॉर्चुनिटी क्या है आपके पास, देखो हम आपको एक मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम दे सकते हैं, कितने दिन का, 45 डेज का है, जिसमें बेसिकली ये थोड़ा सा टिपिकल सा प्रोग्राम है, जिसमें डिफरेंट सेक्शन हम कवर करते हैं और उसमें सिर्फ इश्यूज कवर करते हैं, जो मैं बात कर रहा था इश्यूज की। वी आर नॉट कवरिंग ईच सेक्शन ऑफ जनरल स्टडीज, हमने डिसाइड कर रखा है कि यार इकोनॉमी है तो इसमें से ये 20 इशू करने हैं, तो टीचर ने आके वो 20 इशू कराने हैं। और वर्कबुक टाइप फॉर्मेट है जिसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसमें आप आंसर प्रैक्टिस करोगे, 2-3 घंटे की, 2 घंटे की क्लास है, आई थिंक ज्यादा नहीं है, है ना। हाँ ये ऐसी वर्कबुक हमने बनाई होगी, थोड़ा सा वेग है लेकिन वही बात है, अगर आप समझते हो कि मेंस आंसर राइटिंग क्या है, मेंस पेपर देना क्या है, तब आप अप्रिशिएट करोगे। अदरवाइज तो अगर हम ये प्री ऑक्यूपाइड है कि यार व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज मनी सप्लाई, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, वो काम नहीं है यहाँ,
यहाँ पे अगर मनी मार्केट करेंगे तो उसका इशू क्या चल रहा है वो करना है कवर, जो हो सकता है वैल्यू ओवर कवरिंग इन द क्लास उस वक्त ध्यान ना दिया हो आपने, क्योंकि यू आर प्री ऑक्यूपाइड विद प्री, नाउ देयर इज अ नीड टू बी प्री ऑक्यूपाइड विद मेंस। तो इस तरह से ये सारा है, इसमें वर्कबुक साथ में बनी हुई है और शुरू में सारा एनालिसिस है इसके अंदर कौन कौन से इशूज कवर्ड है, ये से बना के ना इशूज कवर्ड है। और ये सारे लेक्चर ऑनलाइन भी हम अवेलेबल कराएंगे, कोई नहीं आ सकता तो वो ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकता कि ये होगा नंबर एक। नंबर दो, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए हम अवेलेबल हैं, अगर आप क्वेश्चन लिख के आओगे आप चेक करवा सकते हो, नो नीड टू हेजिटेट फॉर, ठीक है, कि आपने चार क्वेश्चन लिखे, आपने पर्सनली चेक कराने हैं, सर से चेक कराने हैं, मेरे से चेक कराने हैं, यू कैन कम टू द इंस्टीट्यूट। नाउ थर्ड थिंग इज ऑप्शनल का, अगर कोई आपने ऑप्शनल नहीं करा हुआ या करना है तो उसके लिए ऑनलाइन हमारे पास एक सोशियोलॉजी अवेलेबल है, ऑनलाइन हिस्ट्री अवेलेबल है, व्हाटएवर इट इज, और पब्लिक एड भी ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन कर सकते हैं। और डिपेंडिंग अपन ऑप्शनल, आजकल सारे ऑप्शनल ऑनलाइन अवेलेबल है हर जगह, नो नीड टू एंटर इनटू क्लासेस, बैठे घर में फटाफट, क्योंकि अब तो अर्जेंसी तो आई गई है, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तो सेल्फ मोटिवेटेड होकर करना ही है यार, तो दिन में दो लेक्चर भी सुन सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड करके सुन सकते हो, नोट्स बना सकते हो फटाफट, तो कुछ भी आज करना। जीएस के हमारे सारे मॉड्यूल्स जीएस के हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा सकते हैं, एवरी सेक्शन ऑफ जनरल स्टडीज वी कैन प्रोवाइड यू ऑनलाइन, हमारे पास प्री रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हैं आई आर सिक्योरिटी एथिक्स के सबके, तो किसी ने फटाफट करना है फटाफट वो एक बेस लेवल पे क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज हैं जो आप ले सकते हो हमारे से, प्लस जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज है वो ये है मेरे साथ, इसी में हमने वैल्यूडेशन करानी है, कि वैल्यूडेशन कैसे आपको आंसर में करनी है, स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर क्या है, उसके लेक्चर होंगे कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करना, ठीक है, तो कट ऑफ से हम आपको देखें, तो 90 क्वेश्चन है इसके वीडियो के साथ, वो दैट इज गोइंग टू बी, वो आपके डैशबोर्ड पे अपीयर हो जाएगा कट ऑफ से। ठीक है, एनीथिंग एल्स, कुछ आपने आप क्वेश्चन पूछना है लास्ट, एनी डाउट अबाउट मेंस प्रिपरेशन, सर ऐसे का नहीं बता रहा, ऐसे तो लिखना ही है, ऐसे के दो लेक्चर वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे अगर आपने जनरल स्टडीज तैयार की हुई ऐसे जनरल स्टडीज कवर्स ही कंटेंट, बाकी ऐसे के हम लेक्चर करेंगे तो खुद भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर, दो लेक्चर है मेरे ऐसे के, अगर आई थिंक वो चल जाते हैं अच्छे, ठीक ही चल जाते हैं, वो नंबर आ जाते हैं 40-50-60 नंबर आ जाते हैं, वो सब इस पर कवर हो जाएगा मेन साल सर। तो मेरे हिसाब से इनके जैसे अभी रिजल्ट आने अभी का, अगर अभी ये लोग आप ये कोर्स करते हो तो आप बहुत बंद के तैयारी कर लोगे, जो मैं इस अगर मैं आपकी जगह पे हूँ तो मैं कैसे सोचूं कि अगर 2-3 घंटे मैं इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ तो मैं बंधा हुआ हूँ, एटलीस्ट मैं बिखर नहीं रहा, मेरा एक रूटीन बना हुआ है और मैं मेंस की तरफ ओरिएंटेड हूँ, नहीं तो होता क्या पढ़ने लगे हैं एकदम ख्याल आ जाए कि आप फ्री होना नहीं होना, बस वहीं पढ़ने की सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, मूवी टिकट खुल जाते कौन सी टेंशन, सब किताबें कुतुबें धरे जाती हैं, इसका कि अगर प्री से रिजल्ट से पहले आप रूटीन बनाओ ये, और मेरा ये मानना है कि ऐसे कोर्स होने ही प्री के रिजल्ट से पहले चाहिए, बाद में कहाँ टाइम होता है, बाद में बिल्कुल कर सकते हैं, बाद में तो मारा मारी होती है बेसिक चीज़ें याद रखने की, यही भूल रहा होता है कि आरबीआई के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था कि क्या था और कुछ था, इतना ज़्यादा पैनिक आ जाते हो, इतने पैनिक में आ जाते हो, करंट भी करना है, ऑप्शनल हो गए, जीएस के चार्ट हो गए, सब हवा दिखने लगा, तो उस वक्त तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव एनी वेयर, यही टाइम है आंसर राइटिंग पे फोकस करके आप आंसर राइटिंग सीखो, एंड दैट विल बी असेट आल्सो, कल को मैं भी कहता हूँ एक मिनट नहीं हुआ है तो ये तो स्किल कहीं नहीं जाएगी ना आपकी, ये तो काम किया हुआ बाद में भी काम आएगा। ठीक है सर।
सर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जैसे पॉलिटी का, हम अभी तक जैसे प्री का प्रिपेयर करते हैं तो हम लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, मतलब देख लेते हैं। अब जैसे हम जैसे मेंस की तैयारी शुरू करनी है तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि मतलब और फर्दर क्या दें, कि करंट अफेयर्स पढ़ें कि उसमें और एडिशन के लिए ऐसा। स्टेप नंबर वन, आपने पिछले 6 महीने 6 मंथ्स चलो एक साल 1 ईयर के जो भी पॉलिटी के इश्यूज पॉपुलर रहे हैं, चाहे वो इलेक्शंस है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो इशू ऑफ ट्रिब्यूनल्स है, चाहे वो पार्लियामेंट्री कमेटीज वाला इशू है, चल रहा है, चले हैं, आपको करंट में दी जाएंगे। अभी मीडिया को पकड़ लो, सीक्वेंस से आ जाएगा, आपको दिखते जाएंगे कौन कौन से इश्यूज रहे हैं, उसकी लिस्ट आपने बना ली। अब वो लिस्ट जो है आपने डायनेमिक प्लस स्टैटिक दोनों इकट्ठे तैयार कर दिया। इसमें डायनेमिक इशू होगा जो करंट में इशू क्रॉप अप हुआ, प्लस इसके साथ कुछ स्टैटिक इशूज होंगे जैसे ट्रिब्यूनल्स का इशू है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ट्रिब्यूनल क्या है, ये तो स्टैटिक इशू है, लेकिन पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल की बात आएगी तो पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो करंट से आएगा, राइट। तो आपने ऐसे 30 या 40 आपके टॉपिक बन जाएंगे, आपने फर्स्ट स्टेप पे तो ये कर देने हैं सारे, राइट। ये पहली प्रायोरिटी आपकी, ये प्रायोरिटी एक बार कर दी आपने खत्म, उसके बाद जो बचेंगे हार्डली 10-15 इश्यूज और बचेंगे, वो प्री के बाद कर लेंगे। लेकिन प्री के बाद आप ये काम करने बैठोगे तो मुश्किल हो जाएगा। हमने बेसिकली यही काम करा है और हम क्या करेंगे, यही करेंगे। तो आपको भी यही करना है, इकोनॉमी कर रहे हो तो इकोनॉमी के इश्यूज लिस्ट डाउन करो करंट के, उसके साथ ही उसका स्टैटिक कंपोनेंट करो, जो इश्यूज मार्केट वो आए करंट में आए हाई प्रोबेबिलिटी के वो आए, उसको छोड़ के फिर स्टैटिक वाली बात कर लो बाद में। ऐसे आईआर में आईआर भी ऐसे तैयार होना है, अल्टीमेटली आईआर अगर सारा तैयार करने बैठोगे 2 महीने लग जाएंगे। आईआर और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अगर आप तैयार करने बैठो, रीजनल ग्रुप तैयार करने बैठो, कितना टाइम लगेगा? तो तैयार क्या कर सकते हो मैक्सिमम, जो इश्यूज करंट में चल रहे हैं उसका डायनेमिक भी और स्टैटिक भी, उसके ऊपर तो फिर आपकी अपनी कैपेबिलिटी है कि अगर आ गया तो आप बना के लिखाओगे, आपके हाथ में तैयार करने वाला यही है बस। फ्रॉम दिस बाय डूइंग दिस यू विल ड्रॉ सेटिस्फेक्शन कि हाँ यार मेरा हो गया। मेरा हो गया काम, क्लियर है ये बात? हाँ जी, ऐसे ही करोगे स्टैंडर्ड हमारे टाइम पे भी यही होता था, हम ऐसे ही करते थे पहले भी। नहीं 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 लक्ष्मीकांत पढ़िए तो क्या? अब ये नहीं है कि लक्ष्मीकांत बैठ के पढ़ने लगे, लक्ष्मीकांत में सिलेक्टिव पढ़ोगे आप, जो पहले अपने ये रिवर्स चलता है मेंस की तैयारी, कि पहले आपने लिस्ट बना ली, अपनी बनानी है खुद, सबने इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिए, लिस्ट बनाई, 1-2-3 घंटे अच्छे से इस पर लगाए, ठीक है। उसके बाद सिलेक्टिव लक्ष्मीकांत अगर आपने पहले पढ़ी हुई सिलेक्टिव खोल लिया, कवर टू कवर पढ़ने बैठ गया, फिर तो ये तो 450 तो भूल जाओगे, 450 तो ऐसे ही आ सकते हैं क्योंकि आपने वो 30 तैयार कर लिए। ऐसा नहीं है कि पेपर में उसमें से कुछ नहीं आएगा, वही आते हैं कुछ तरह के, 4 हमने एक्स्ट्रा, 10 हमने एक्स्ट्रा और करा दिए, बन गई बात बस। दिस इज मेंस प्रिपरेशन, मेंस प्रिपरेशन है जिससे नंबर आते हैं, देखो फोकस तैयार हो गया ना आपका, तो कुछ एग्जाम्पल तैयार हो गए, सब आपके करंट सारे तैयार हो गए, तो पेपर में कराओगे। मेरे ज्यादा पढ़ा ही ना मान, छोड़ दो, जो फर्स्ट कर रखा है उन्होंने पिछले 5 साल से, एक क्वेश्चन नहीं मतलब ढंग का आता मॉडर्न हिस्ट्री का, पता नहीं क्या दुश्मन है, है? नहीं है कुछ, वही 15-20 क्वेश्चन निकालने वाली बात है कि एक रेवोल्यूशनरी टेरिज्म पे कर लिया क्वेश्चन, एक सोशलिज्म रिफॉर्म पे, वुमेन पे, पीजेंट्स पे, ट्राइब्स पे, ऐसे ही करना बेटर है। कन्वेंशनल क्वेश्चन कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया कभी पिछले 5 साल में? वो जो क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबिडिएंस रट्टे मारते होते थे, स्वराज पार्टी है जी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट थी, सब खा गए, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, 1857 रिवोल्ट, मतलब आंखें थक गई, मतलब खत्म हो गई इंतजार करते करते।
आजकल क्या है ब्रॉडली जो पकड़ लिया आपने कि मेथोडोलॉजी ऑफ मूवमेंट आइडियोलॉजी ऑफ मूवमेंट ये हमने भी यही कराना है एंड में फिर पीजेंट रिवोल्ट पीजेंट पोजीशन ऑफ पीजेंट्स इन फ्रीडम स्ट्रगल आ गया ट्राइब्स पे आ गया बैकवर्ड कास्ट्स पे आ गया सो वन फिनोमेना व्हिच हैज बीन ऑब्जर्व इज दैट दे आर पिकिंग अप सर्टेन पर्सनालिटीज एंड आस्किंग देम हाउ दे वो तो 4-5-6 पर्सनालिटीज करने पड़े सुभाष चंद्र बोस हो गया गांधी आ गया अम्बेडकर आ गया है ना तिलक आ गया ऐसे करीब 20-25 पर्सनैलिटीज तो आपको करनी पड़ेगी ये तो आजकल ट्रेंड है एक क्वेश्चन वो पकड़ में आ सकता है लेकिन पक्का नहीं कोई आएगा ये लिखा नहीं हुआ मोटी मोटी कर सकते हो 20 का आप ऐसे तो कोई एंड नहीं है जो आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा उसी से निकला है आंसर ज्यादा आप स्पेशलाइज पढ़ने लगे हुए तो लिया काम यही तो कंट्रोल रखना होता है मीन्स में अब मैं सपोज बाल गंगाधर तिलक पढ़ना है यार 6-7 पॉइंट मेरे पास तिलक के हैं बगैर राम मेरा कि उसने ये किया था ये किया था ये किया था ये किया था बाकी बना के लिख देना हर थिंकर का बैकड्रॉप होता है नेशनल मूवमेंट में एक 30-40 वर्ड तो बैकड्रॉप पे गए गए ना अब तिलक का बैकड्रॉप क्या बनेगा आप सिचुएशन बनाओगे मॉडरेट्स की मॉडरेट थे डोमिनेंट थे ऐसी सिचुएशन थी तो ऐसे में तिलक आया 40-50 वर्ड ऐसे नंबर लेते हैं यूपीएससी में वो यही चाहते हैं आपसे दे आर नॉट लुकिंग फॉर एकेडमिशन फ्रॉम यू उनको मास्टर नहीं बनाना आपको आपको वो ब्यूरोक्रेट देख रहे हैं आपके अंदर कि ये मैनेज कर सकता बंदा कि नहीं कर सकता फिर वो तिलक साहब किस रीजन में एक्टिव थे नेशनल थे क्या आइडियोलॉजी थी उनकी क्या क्या कोई न्यूज पेपर स्टार्ट किया उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है ना या अब एंड में मैं 50 वर्ड ये भी लिख दूंगा इम्प्लीकेशन क्या हुई तिलक की फ्रीडम स्ट्रगल में बन गया आंसर ऐसे हर थिंकर हर पर्सनैलिटी का आप कर सकते हो और अपने आप आंसर बन जाएगा देखना और वो आंसर ऐसा बनेगा जिसको यूपीएससी एग्जामिनर लाइक करेगा और एक बच्चे ने कंटेंट ही कंटेंट डाल दिया कि तिलक ने क्या करा उसके घर का नाम क्या था कहाँ पैदा हुआ वो उसके बाप का नाम क्या था कितनी बार जेल गया कितने लंबे बाल थे उसके मतलब नंबर नहीं आते यार 20 साल का 25 साल से हम ये धक्के खा रहे हैं नंबर ही नहीं आते जबकि बच्चा कहता मैं इतना अच्छा लिख के आया था ये अच्छा नहीं है दिस नॉन ब्यूरोक्रेटिक टाइप एकेडमिक टाइप एग्जामिनर को पता है इसने तिलक पर चीज़ से लिखा होगा इसलिए पता है इसको चलो नंबर नहीं देते वो देखो जनरल स्टडीज का मतलब क्या है लिखा होता है पेपर वहाँ पे उनके गाइडलाइन में यू हैव टू राइट आंसर्स व्हिच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन इन अ जनरल वे साफ साफ लिखा इसका मतलब है इस चीज का उतना करना बस वो तैयार हो जाएगा क्योंकि आई एम नॉट श्योर ना क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा और कौन सा फ्रीडम फाइटर आ जाएगा पता नहीं कौन सा आ जाएगा तो मंगल पांडे पूछ लिया अगर मैंने कॉमन स्ट्रेटजी बनाई हुई है तो मंगल पांडे पे भी मैं 150 वर्ड लिखाऊंगा 2-3 सेट भी पता है मंगल पांडे के ठीक है चले फिर मेरी को क्लास है